ये पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में एक निबंधों की पुस्तक है और उसका ये चौथा निबंध है छायावाद नंदलाल वाजपेयी द्वारा लिखित है। इस निबंध की हमें समीक्षा करनी है और इस निबंध में नंदलाल वाजपेयी ने अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं उसके बारे में आज आपको मैं बता रहा हूं। निबंध है छायावाद। छायावाद का स्वरूप हम पहले भी कहीं कहीं आपको मैं विचार व्यक्त कर चुका हूं। छायावाद पर हिंदी साहित्य में का जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल में सन 1916 से और 1936 तक का जो समय है वो छायावाद काल कहलाता है। कुछ आलोचकों ने उसको 1918 से लेके और 1935 तक का काल, 36 तक के काल को छायावाद कहा है, क्योंकि छायावाद की अंतिम कृति के रूप में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई जो कामायनी है वो छायावाद की अंतिम कृति मानी जाती है। तो नंदलाल वाजपेयी ने जो छायावादी निबंध लिखा है उसमें वो कहते हैं कि जब ये छायावाद था तो आप जानते हैं कि ये जो समय था 1917-18 से लेके और 1935-36 तक, इस पहले जो प्रारंभिक चरण है इसमें पूरे वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध की धमक सुनाई दे रही थी और इसमें 1920-21 में यह प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है और इस प्रथम विश्व युद्ध में हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। जीवन को एक चिंतन मिलता है। हमारे देश में तो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन उस वक्त हमारे देश के जो चार बहुत बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं उनमें महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये चारों ही लेखक की जो रचनाएं थी वो छायावादी रचनाकारों के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने पूरा एक नए युग का सूत्रपात किया और इस छायावादी कविताओं में नए विचारों की अभिव्यक्ति थी, नए मूल्यों की अभिव्यक्ति थी, परंपराओं और जड़ता से बहुत सारी ऐसी चीज थी जो ढकी रही थी, जिन पर मूल्यों का बहुत टाइट आदेश था, उस सारी बंधनों को प्रतिबंधों को इन कवियों ने तोड़ा और कविता को एक नए कलेवर में, खासकर वो जो मानव जीवन था वो इसके केंद्र में था, जो भावनाएं थी वो इसके केंद्र में थी, जो नवीन विचार थे वो इसके केंद्र में थे, परंपरावादी सोच से चाहे भक्ति का भी चला, चाहे रीति का भी चला, चाहे आदि काल चला, उन सारे स्वरूपों को इस छायावाद में आते आते दरकिनार किया गया और हमारे देश के जनमानस की जो पीड़ा है, जो संतरांस है, जो छटपटाहट है, जो व्यक्तिगत विचार है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेतना का स्वर है, वो सारा का सारा प्रस्फुटन इस छायावादी कविता के स्वरूप में होता है। चाहे वो मन की कोमल भावना हो, चाहे प्रेमी भावना हो, छायावादी कवि किसी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता। मन में जो विचार है उन सबको सहज और सरल रूप से उसका प्रकटीकरण करता है। जैसे निराला संध्या सुंदरी कविता का वर्णन करते हैं, धीरे धीरे उतर छिटिल पे आ बसंत रजनी, एक उसके एक मनोरम कल्पना कर डालते हैं, जबकि पहले मैत्स्यन गुप्त और उससे पहले जितने भी कवि हैं इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते समय एक मूल्यों का, एक आदर्श का, इस प्रकार का एक वातावरण था कि हर कवि इस प्रकार की रचना लिखने से काफी हद तक वो दूरी बना लेता था। हाँ, रीति काल में जरूर राधा कृष्ण के स्वरूप को लेकर उन्मुक्त विचार लिखे गए। तो नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद और भक्ति काव्य के समीक्षा की है और उसके स्वरूप का एक निबंध लिखा है और वो कहते हैं कि भक्ति मध्य काल में जो भक्ति काव्य लिखा गया और आधुनिक काल में जो छायावादी काव्य लिखा उसमें काफी हद तक समानता है और काफी हद तक कुछ असमानता है। वो लिखते हैं छायावाद का भक्ति काव्य में जो समानता है तो कहते हैं दोनों में आध्यात्मिक काव्य
दोनों में है, क्योंकि जिस प्रकार से भक्ति का भी ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप की व्याख्या करता है, तो छायावादी कभी ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि ये जो प्रकृति है और प्रकृति की सत्ता है, वो किसी न किसी परम ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता से ही संचालित है, लेकिन वो सब कुछ ईश्वर को मानते हैं। लेकिन छायावादी जो कवि है, वो उसमें प्रकृति को ही महत्व, प्रकृति से पुरुष की ओर जाना है, परमात्मा की ओर जाना है, लेकिन वहां परमात्मा की सत्ता से प्रकृति को पहचान। तो समानता ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है छायावाद भी, जैसे कि भक्ति का भी करता है। तीसरा लौकिक और संस्कृति का वर्णन है। छायावादी और भक्ति का दोनों में लौकिक संस्कृति मानवीय संस्कृति का वर्णन करते हैं। छायावादी मानवीय संस्कृति को आधार बनाता है, जीवन के लोकाचार परंपराएं मानव मन की इच्छाएं और मानव जीवन में होने वाली उथल पुथल का छायावादी काव्य भी वर्णन करता है, तो मध्यकाल का भक्ति काव्य भी करता है। तत्कालीन राजाओं का, प्रजाओं का, संतों का और तत्कालीन मुगल बादशाहों का क्या व्यवहार था, क्या जनता का जीवन था, किस तरह की स्थिति प्रस्तुति का प्रतिभाव था, ये भक्ति काल में देखने को मिलता है। तो भक्ति काल और छायावाद में यहां तक समानता है, रहस्यवाद की विवेचना भी है। छायावादी काव्य में रहस्यवाद में विश्वास करता है और अपनी कुछ पंक्तियों से, जैसे महादेव वर्मा ने भी बहुत जगह लिखा है, मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी थी कल आज मिट चल, इस तरह की बात। लेकिन भक्ति काल भी ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप की बात करता है। तो आप भक्ति काल में देखते हैं कि जो कबीर है वो इस जगह लिखते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई ला। ये ऐसी बात है कि ईश्वर की परम सत्ता को निहारा तो मैं भी ईश्वर में हो गया, तो जहां भी देखता हूं ईश्वरीय सत्ता है, तो ये एक रहस्यवाद का संकेत है। तो जो भक्ति काल में दिखता है और छायावाद और पांचवी समानता है साकारोपासना। साकारोपासना का मतलब यह है कि भक्ति काल निराकार में विश्वास करता है और उसे साकार पूरा तो सबसे ज्यादा विश्वास करता है, कि भक्ति काल में ही राम और कृष्ण की जो विचारधारा थी वो सगुणोपासना थी और कबीर और जयसी की जो विचारधारा थी वो निर्गुणोपासना की थी, लेकिन दोनों को मान्यता देते हैं। और छायावादी कभी भी प्रकृति को ही परमात्मा मानता है, उसके निर्गुण स्वरूप को भी, उसकी विराट सत्ता को स्वीकार। तो हम देखते हैं छायावाद और भक्ति काल में दोनों समानता है। तो जितना महत्वपूर्ण काव्य भक्ति काल है उतना ही महत्वपूर्ण छायावाद। अब हम भक्ति काव्य में इसकी असमानता का एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। कुछ असमानताएं भी ऐसी हैं जो भक्ति काल में और छायावाद में मेल नहीं खाती। तो वो कहते हैं भक्ति काल में मध्युग और छायावाद में आधुनिक का वर्णन होता है। ये तो स्पष्ट ही है कि जिस युग में जो साहित्य लिखा जाएगा उस युग का ही तो वर्णन होगा। तो भक्ति काल जो मध्युग था, जिस तरह की स्थितियां थी उस मध्युग का ही वर्णन करता है। तो उसी ने भी एक जगह लिखा है कि इस प्रकार की परिस्थिति है कि न किसी को भीख मिलती है, न किसी को सहारा मिलता है, सब रोटी के लिए तड़पते रहते हैं, इस प्रकार का मुगलों का अत्याचार होता है इस देश के अंदर। और छायावाद में आधुनिक रूप में स्वतंत्र आंदोलन के लिए जो आंदोलन चल रहा है, तमाम देश भक्तों के नेतृत्व में, तमाम देश के सपूतों के नेतृत्व में, और हमारी स्थिति क्या होती है अंग्रेजों से मुलाकात के बाद, किस तरह हमारा पिटाई होती है, शोषण होता है, तो इस चीज का ही वर्णन होता है छायावाद में। तो छायावाद एक आधुनिक काव्य है और भक्ति का एक मध्युग की स्थितियों परिस्थितियों की विवेचना करने वाला, और हमारे देश की भक्ति धारा में कितनी प्रगाढ़ता थी, कितना तारतम्यता, कितनी वो शक्तिशाली थी कि पूरे देश को पूरी दुनिया को हमारे संतों ने आके प्रेरणा का स्वरूप प्रकट कर दिया। छायावाद में मानवीय चित्र है, भक्ति काल में आध्यात्मिक। तो छायावाद मानवीय चित्रण करता है जबकि भक्ति काव्य में आध्यात्मिक, संतों की साधनाएं, संतों की उपासनाएं, ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर की लीलाओं को, ईश्वर की कृपा को, आत्मा और परमात्मा को, जीवन और मरण को, इन सारी चीजों को लोक और परलोक
समकालीन जीवन के सुख दुख पाप पुण्य करनी अकरणी प्रेम नफरत घृणा और महानगरीय प्रॉब्लम जीवन की कोमल प्रेमिक भावनाएं इन सब का वर्णन करता है। तो छायावाद करता है कि आधुनिक युग में व्यक्ति आधुनिक शिक्षा से परिचित हो जाता है और आधुनिक पूरे विश्व से जुड़ जाता है और इस विश्व के जुड़ाव के कारण ही छायावाद में आधुनिक युग का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। छायावाद में भक्ति का भी जीवन के लौकिक पक्ष की अपेक्षा होती है जबकि छायावाद में प्रकृति और मानव जीवन महत्वपूर्ण होता है। भक्तिकाव्य में जीवन के लौकिक पक्ष भक्ति काव्य में सब कुछ ईश्वर के निराधार मान के ईश्वर को यह आधार माना कि जो कुछ है तेरी सत्ता के व्याहे प्रभु मंगल मूल पत्ते तक हिलते नहीं खिले न कोई फूल। कबीर एक जगह लिखते हैं जो कुछ किया सो तुम किया मैं कुछ किया ना कहा कही जो मैं किया तुम ही थे मुझ माते ईश्वर। मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता मेरे पास कुछ है भी नहीं ऐसा। अगर मैंने दुनिया में कुछ किया है तो वो तेरी कृपा से हुआ है तूने ही किया है क्योंकि तू ही मेरे स्वरूप के रूप में है तू ही मेरी तेरी शक्ति मेरी आत्मा में है। इसलिए परमात्मा संसार में जो कुछ कर सकता है वो तू ही करता है तेरी कृपा से होता है तेरी प्रेरणा से होता है तेरे ही मार्गदर्शन से होता है क्योंकि तुम यंत्र हम यंत्री हैं आपके द्वारा ही ये सारी संसार संचालित होता है। इस प्रकार का जो भक्ति काव्य में है और वो लौकिक जीवन की अपेक्षा करता है अर्थात संसार मिथ्या है जो कहावत चलती थी जो सुक्ति चलती थी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अर्थात ईश्वर सत्य है और ये सारा संसार मायामोह है और झूठा है। तो इसमें लौकिक जीवन का जो आनंद है उसकी अपेक्षा कर दी गई कि कुछ नहीं है ये सब सारहीन है नश्वर है नाशवान है सत्य क्या है ईश्वर उसका भजन करो उसका निरंतर ध्यान करो और मोक्ष की प्राप्ति करके परमात्मा से मिलन करो जिससे आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। तो जो मानव जीवन का आनंद है प्रकृति का आनंद है परिवार के साथ आनंद है प्रेम का आनंद है खाने पीने का आनंद है जीवन के भोगों का आनंद है वो केवल छायावाद में और भक्ति काव्य से आपको दूर ले जाता है। और भक्ति का परंपरावादी तथा छायावादी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता भक्ति काव्य में परंपराओं को अर्थात जीवन मूल्यों को बहुत महत्ता दी गई है। मनुष्य को जीवन मूल्यों से जुड़कर जीना चाहिए कदम कदम पर उसे ध्यान रखना है तो उसके जीवन की जो मूल्य है उसे छूट नहीं पाए अपनी परंपराएं छूट नहीं पाए अपने नैतिक मूल्य छूट नहीं पाए। लेकिन छायावाद में ही आते आते विश्व में लोकतांत्रिक राष्ट्रों की अभिव्यक्ति होने लगी लोकतंत्र की मांग उठने लगी। इस समय बहुत सारे विश्व में कई देश लोकतंत्र स्थापित हो जाता है हमारे देश में भी लोकतंत्र स्थापना की मांग चल रही थी। 1857 में पहला लोकतंत्र संग्राम फ्लॉप हो चुका था लेकिन उसकी आग बुझी नहीं थी वो आग अब चौगुनी ताकत लेकर हमारे देश में फिर प्रज्वलित हो गई थी। तो छायावाद में मन की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का वर्णन होने लगा भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का वर्णन होने लगा और मूल्य और संस्कृति में यह है टिट फॉर टैट जो जैसा है उसको वैसा जवाब दीजिए आप गुलाम हैं तो स्वतंत्रता पाइए। पहले क्या था आप गुलाम हैं तो ईश्वर इच्छा से स्वतंत्र होंगे तो ईश्वर इच्छा से आप मर रहे हैं तो ईश्वर इच्छा से और जीवित हैं तो ईश्वर इच्छा से। तो ये जो परंपरावादी सोच थी उसको हटाया एक स्वतंत्र सोच को व्यक्ति थी छायावाद ने कि आप अपने कर्मों के फलों के भोक्ता स्वयं हैं आप जैसा जीना चाहते हो वैसा ही आप बनिए वैसा ही आप करिए। दुनिया में समस्त सुख है समस्त संपदा है उसके लिए आपको अपने स्वतंत्र विचारों का इस्तेमाल करते हुए स्वतंत्र बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल करते हुए कर्म करना है और तभी आप जीवन के सुख का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार की नवीन अभिव्यक्ति आई और इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो नंदलाल वाजपेयी का जो निबंध है छायावाद उसने भक्ति काल और छायावाद की समानता और असमानता के बारे में लेखक ने अपने विचार रखे और इन दोनों चीजों का अभ्यक्त एक्सप्लेन देखने के बाद वर्णन देखने के बाद समीक्षा देखने के बाद साबित होता है कि वास्तव में भक्ति का अपनी जगह महत्वपूर्ण काव्य है वो जीवन के अलौकिक पक्ष से जोड़कर एक संसार की परम सत्ता से जोड़कर आपके जीवन को साथ
सब सत्य से अवगत कराता है, तो वही जो छायावादी कहते हैं जीवन के विभिन्न पक्षों से आपको जोड़कर, संसार के विभिन्न संपदाओं से जोड़कर